आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज के सभी ताजा बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। बता दें कि अभी भी सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी ने कई बड़े ऐलान बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। यूपी के सभी 75 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ एक वीडियो में देने वाले हैं। इस खबरों को देखने के बाद आपको कोई अन्य खबरें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को लाइक करके खबर को एकदम आखिर तक जरूर देख लें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 13 नवंबर तक धारा 163 लागू, धरना प्रदर्शन और सभाओं पर लगी रोक, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। दरअसल आपको बता दें कि यूपी की राजधानी में आगामी त्योहारों और प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासन ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है, जो कि पूर्व में धारा 144 कही जाती थी। यह आदेश 15 सितंबर से 13 नवंबर तक लागू रहेगा। उल्लंघन करने पर धारा 223 भारतीय न्याय संहिता और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इसमें वही नियम लागू होंगे जो धारा 144 में लागू होते हैं। यूपी में नहीं होगी बिजली कटौती। यूपी पीसीएल शुरू करने वाला है नया अभियान। दीपावली से पहले हो जाएगा पूरा बंदोबस्त। जी हां, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपी पीसीएल दीपावली से पहले प्रदेश में निर्बाध ढंग से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने में जुट गया है। 14 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक अनुरक्षण माह चलाया जाएगा। इस दौरान बिजली के खराब और जर्जर तारों को बदला जाएगा, खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मत होगी। ऐसे क्षेत्र जहां बिजली की ज्यादा आवाजाही है, वहां अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। यूपी पीसीएल के निदेशक ज्ञानेंद्र धर द्विवेदी की ओर से इस महीने से इसकी तैयारी शुरू करने के लिए कहा गया है। यूपी में ठेका संविदा कर्मचारियों के लिए बनेगी नई नीति। सीएम योगी ने भारतीय मजदूर संघ को दिया आश्वासन, संघ ने 7 मांगे भी रखी। जी हां, आपको बता दें कि यूपी में ठेका और संविदा कर्मचारियों के लिए नई नीति बनाई जाएगी। भारतीय मजदूर संघ को सीएम योगी ने नई नीति बनाने का आश्वासन दे दिया है। उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला। मजदूर संघ के नेताओं ने सीएम से कहा कि यूपी में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की स्थिति बहुत खराब है। संघ ने बताया कि इन कर्मचारियों के सामने परिवार चलाने का संकट हो गया है। स्कीम वर्कर, एनएचएम कर्मी, आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों की समस्याएं दूर की जाएं, श्रम विभाग में कमेटियों का गठन किया जाए, चीनी उद्योग के श्रमिकों की समस्याएं दूर की जाएं, मिनी वेज कमेटी का गठन किया जाए, आईटी कंपनियों में कर्मियों की छंटनी बंद की जाए, निर्माण श्रमिक स्कीम, बोनस और ओपीएस पेंशन को लागू किया जाए। सीएम योगी ने आश्वासन दे दिया है। एक लाइक जरूर कर दें। यूपी में एक और तहसील बनेगी जिला। योगी सरकार ने डीएम से मांगा प्रस्ताव। जी हां, यूपी सरकार महाराजगंज की तहसील फरेंदा को नया जिला घोषित करने जा रही है। इसके लिए राजस्व परिषद ने जिलाधिकारी गोरखपुर से परीक्षण कर प्रस्ताव देने को कहा है। इसके बाद कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराते हुए फरेंदा को जिला घोषित किया जाएगा। राजस्व परिषद के भूमि व्यवस्था आयुक्त भीष्मलाल वर्मा ने गोरखपुर के जिलाधिकारी को पत्र भेजकर जनपद महाराजगंज की तहसील फरेंदा व नौतनवा और गोरखपुर की तहसील कैंपियरगंज को मिलाकर नया जनपद फरेंदा बनने के संबंध में प्रस्ताव देने को कहा है। जैसे प्रस्ताव आएगा, इसे मंजूर करके जिला बनाया जाएगा। वैसे आप किस जिले से हैं, कमेंट जरूर करें। यूपी में 5000 नई बसें खरीदेगी योगी सरकार। इस जिले का डिपो भी होगा शिफ्ट, मंत्री दयाशंकर की घोषणा। जी हां, योगी सरकार रोडवेज के बेड़े में साल 2024 के अंत तक 5000 नई बसों को शामिल करेगी। इसके लिए बसों के खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा आजमगढ़ का डिपो भी शिफ्ट किया जाएगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इसको लेकर बड़ी घोषणा की है। निजी कार्यक्रम में आजमगढ़ पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, जिन 5000 बसों को खरीदा जाना है, उनमें से 2000 का टेंडर हो चुका है, 3000 के टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। आजमगढ़ में 2 बस डिपो संचालित हैं। ऐसे में यहां से 1 डिपो हाईवे की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए जगह की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर सरकार का सख्त एक्शन। 2 मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता समेत 9 सस्पेंड। जी हां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और मेरठ में बिजली विभाग में भ्रष्टाचार के 2 बड़े मामले प्रकाश में आए हैं। भ्रष्टाचार मामले में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इन दोनों मामलों में 2 मुख्य अभियंता व 2 अधीक्षण अभियंता सहित 9 कार्मिकों को सस्पेंड कर दिया गया। अलीगढ़ के मामले में इंजीनियरों ने एक फर्म से मिलीभगत कर खराब गुणवत्ता के सामग्री की सप्लाई लेने का काम किया। वहीं मेरठ के मामले में पार्कों के सुंदरीकरण के काम में अधीक्षण अभियंता पर 2.5 करोड़ रुपए रिश्वत लिए जाने का आरोप है। मेरठ के मामले में ही वहां के अधिशासी अभियंता को सस्पेंड किया गया है। उत्तर प्रदेश में बोले सीएम योगी, ज्ञान वापी साक्षात विश्वनाथ ही हैं। दुर्भाग्य से दूसरे शब्दों में लोग मस्जिद कहते हैं। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञान वापी विवाद को लेकर एक बार फिर अपनी बात रखी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में नाथ पंथ पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से ज्ञान वापी को आज लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन ज्ञान वापी साक्षात विश्वनाथ ही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पृश्यता न केवल साधना के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के
लिए भी सबसे बड़ी बाधा है। इस बात को यदि देश के लोगों ने समझा होता तो देश गुलाम नहीं होता। क्या आप योगी की बात से सहमत हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है? कमेंट जरूर करें। 2 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, कृषि मंत्री का ऐलान, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से किया संवाद। जी हां, आपको बता दें कि मिल्कीपुर विकास खंड मुख्यालय पर आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि अगले वर्ष तक राज्य की 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। इस योजना के तहत महिलाएं विभिन्न स्वरोजगार योजना में गतिविधियों में भाग लेकर आत्मनिर्भर बन रही हैं, जैसे कि अचार मुरब्बा बनाना, सिलाई कढ़ाई, रेशम उत्पादन, बकरी पालन, भैंस पालन, सब्जी बेचना, बैंकिंग सेवाएं और पापड़ बनाना। मंत्री ने कहा कि जल्द ही महिलाओं के अच्छे दिन आएंगे और हर महीने अच्छी कमाई करके महिलाएं लखपति बनेंगी। यूपी में टाउनशिप के नाम नहीं चलेगी, धोखाधड़ी, सख्त हुई सरकार, इजाजत से पहले लेनी होगी गारंटी। जी हां, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में निजी क्षेत्रों में टाउनशिप लाने के लिए अब भूमि की गारंटी लेगी। बिल्डरों के पास भूमि होने की स्थिति में टाउनशिप लाने की अनुमति दी जाएगी। इतना ही नहीं, बिल्डरों को यह भी शपथ पत्र एफिडेविट देना होगा कि कितने महीने में योजना के लिए भूमि की व्यवस्था हो जाएगी और आवंटियों को कब तक भौतिक कब्जा दे दिया जाएगा। ऐसा न करने की स्थिति में बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उच्च स्तर पर सहमति बन गई है और इसको लेकर जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश योगी सरकार जारी करने की तैयारी में है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज बोले, प्याज बासमती चावल पर निर्यात शुल्क में राहत, रिफाइन ऑयल पर शुल्क बढ़ने से बढ़ेगी किसानों के फसल की कीमत। दरअसल भारत के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा प्याज से निर्यात शुल्क घटाने और बासमती चावल पर शुल्क खत्म करने के फैसले से किसानों को चावल और प्याज निर्यात करने का मौका मिलेगा, यानी भारत से दूसरे देश भेज सकेंगे। इसके अलावा खाद्य तेलों के आयात शुल्क और रिफाइनरी ऑयल की बेसिक ड्यूटी बढ़ाने से यूपी के किसानों को फायदा पहुंचेगा। चौहान ने कहा कि किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसान भाइयों बहनों के हित में निर्णय लेते हुए खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% हो जाएगा। आयात शुल्क बढ़ाने से सोयाबीन के फसल की कीमतों में वृद्धि होगी। यूपी में 5 DSP का हुआ तबादला, अयोध्या भेजे गए योगेंद्र कुमार, देख लीजिए पूरी लिस्ट। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस विभाग में तबादलों का सिलसिला जारी है। 5 और पुलिस उपाधीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। DGP मुख्यालय ने 5 अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। अमित सक्सेना EOW मुख्यालय लखनऊ में वर्तमान तैनाती है, नवीन तैनाती कुशीनगर में कर दी गई है। योगेंद्र कुमार को अयोध्या भेजा गया है, राजवीर सिंह गौर को लखनऊ से बांदा भेजा गया है, युवराज सिंह को अयोध्या से बुलंदशहर और दिलीप सिंह प्रथम को बुलंदशहर से LIU अलीगढ़ भेजा गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका, 20 सितंबर तक बढ़ाई गई पंजीकरण की अंतिम तिथि। जी हां, विलंब शुल्क के साथ यूपी बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थियों के पास एक और मौका है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 सितंबर से बढ़ाकर 20 सितंबर कर दी है। इसी तरह बोर्ड ने कक्षा 9 व 11 के अग्रिम पंजीकरण संबंधित तिथियों में बदलाव किया है। उन्होंने कहा है कि जारी आदेश में कक्षा 9 व 11 व परीक्षा वर्ष 2025 के लिए कक्षा 10 व 12 के ऑनलाइन अग्रिम पंजीकरण के पूर्व निर्धारित तिथियों में परिवर्तन किया गया, यानी अगर आप अभी भी नाम नहीं लिखवा पाए हैं तो आखिरी मौका आपके पास बचा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 10 कीटनाशकों की बिक्री पर प्रतिबंध, जिला कृषि अधिकारी ने जारी किया आदेश। दरअसल आपको बताने की वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में बासमती चावल के निर्यात में 15% की गिरावट आई है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के विरासत बासमती उपज को बचाने और अन्य देशों को बासमती चावल के बाधा मुक्त निर्यात के लिए 10 कीटनाशकों पर शासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि कीटनाशकों को इसलिए प्रतिबंधित कर दिया गया है ताकि गुणवत्ता युक्त बासमती चावल के निर्यात में वृद्धि की जा सके। यूपी में अखिलेश के मठाधीश वाले बयान पर जगत गुरु राम भद्राचार्य का पलटवार, बोले जब से ज्यादा सीटें जीती है बौखला गए हैं, मैं माफ नहीं करूंगा। जी हां, आपको बता दें कि अखिलेश यादव बौखला गए हैं, पगला गए हैं, जब से उन्होंने ज्यादा सीटें जीती है वह अहंकार में चूर चूर हो गए हैं, मैं माफ नहीं करूंगा। इसका परिणाम आने वाले उपचुनाव में इसे मिलेगा। गोरखपुर वाले बाबा स्वयं सक्षम है और इसका उचित जवाब देंगे, यह बातें जगत गुरु राम भद्राचार्य ने चित्रकूट में कही। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में मठाधीश और माफ
माफिया के बीच फर्क नहीं होने की बात कही थी। सपा प्रमुख के बयान के बाद साधु संतों में नाराजगी है। लगातार प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर इसका विरोध हो रहा है। यूपी में भारी बारिश और बिजली गिरने घटनाओं पर सीएम योगी ने जताया दुख, मुआवजे का कर दिया ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में भारी बारिश और बिजली गिरने से मरे लोगों पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुमन्य राहत सहायता राशि दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने घटना में घायल का समुचित उपचार कराने के भी निर्देश दिए। राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर बड़ी घटनाएं हुई थी, जिसके लिए योगी सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। यूपी सरकार को शक, मिलावटी हल्दी से घट रहा बच्चों का आईक्यू, प्रदेश भर में शुरू हुई जांच। जी हां, आपको बता दें कि आयुर्वेद में जिस हल्दी को बेहद गुणकारी और भारत का केसर कहा गया है, मिलावटखोरों ने उसे भी विषैला कर दिया। यह मिलावटी हल्दी बच्चों का आईक्यू लेवल घटा रही है, गर्भवतियों पर भी बुरा असर डालने के साथ तमाम बीमारियों को न्योता दे रही है। बांग्लादेश की केस हिस्ट्री सामने आने के बाद इन तथ्यों को झुठलाया नहीं जा सकता। नीति आयोग से लेकर यूपी सरकार तक इसे लेकर चिंतित है। सरकार को अंदेशा है कि कहीं यूपी के बच्चों के मानसिक स्तर को भी यह लेड मिश्रित हल्दी प्रभावित तो नहीं कर रही। ऐसे में प्रदेश भर में हल्दी की जांच कराई जा रही है। यूपी के सभी जिलों से तकरीबन 3800 सैंपल ले लिए गए। यूपी में 12 रबी अव्वल के जुलूस के लिए एडवाइजरी जारी। मौलाना खालिद बोले, निर्धारित रूट से निकालें जुलूस, दूसरों की भावनाओं का रखें ध्यान। जी हां, लखनऊ में इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि 16 सितंबर को 12 रबी अव्वल मनाया जाएगा। मौलाना ने इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया द्वारा एडवाइजरी जारी करते हुए मुसलमानों से ईद मिलादुन नबी शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। मौलाना ने कहा कि 15 सितंबर से 21 सितंबर तक हफ्ता रहमत मनाएं, गरीबों और जरूरतमंदों में फूड पैकेट वितरित करें। वहीं उन्होंने कहा कि सड़कों को बाधित न करें, दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें। ऐसे मौलाना के लिए 1 लाइक जरूर कर दें। जब कहा गया इनको मारो जूते चार, तब साधु संत कहाँ थे? मठाधीश और माफिया की तुलना पर अखिलेश अड़े। दरअसल आपको बताने की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने माफिया से मठाधीशों की तुलना करने पर विवाद के बीच अपने बयान का बचाव किया और कहा कि जब ये कहा गया था कि इनको मारो जूते चार, तब ये साधु संत कहाँ थे? अखिलेश ने कहा कि साधुओं और संतों को तब भी इनका विरोध करना चाहिए था जब किसी नेता ने कहा था कि इनको मारो जूते चार। गूगल पर मठाधीश का विवरण देखने की सलाह देकर अखिलेश ने पूछा कि क्या ये लोग गूगल के खिलाफ धरना देंगे? जाकर गूगल पर इसका मतलब देख लो, क्या ये लोग गूगल का पुतला फूकेंगे? अखिलेश ने सुल्तानपुर के विवादित मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह फेक है और प्रदेश को एनकाउंटर प्रदेश बना दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बोला, दहेज की कहानी बनाकर मुकदमा कराना गलत, ऐसे मामलों की गंभीरता से जांच हो। सुल्तानपुर के आईआईटी इंजीनियर का केस खारिज किया। जी हां, यह एफआईआर केवल दहेज की मांग के लिए गढ़ी गई एक कहानी है। इसमें आरोपी के खिलाफ सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाए गए। वैवाहिक जीवन में पैदा होने वाले विवादों में गलत फहमी के आधार पर झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। ऐसे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। यह बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुल्तानपुर के एक मामले की सुनवाई करते हुए कही। दरअसल हाई कोर्ट के सामने सुल्तानपुर से एक दिलचस्प मामला आया था। यहाँ रहने वाले आईआईटी इंजीनियर पर उसकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का केस कराया था। दोस्तों, लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं जब महिलाएं झूठा आरोप लगाकर मोटा पैसा वसूल रही हैं और पति और उसके परिवार वालों को जेल में सड़ना पड़ रहा है। हाईकोर्ट के लिए 1 लाइक तो बनता है। 30 अगस्त को आयोजित यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, यहां से करें डाउनलोड। जी हां, आपको बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने 30 अगस्त की यूपी पुलिस परीक्षा के लिए आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार इसे कैंडिडेट लॉगिन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जो 23, 24 और 25 अगस्त की परीक्षा के आंसर की थी, वो पहले ही जारी की जा चुकी है, तो अब ये भी जारी हो गई। जाकर चेक करिए और रिजल्ट अच्छा है तो हमें मिठाई जरूर खिलाइएगा। यूपी के बरेली में साध्वी प्राची ने कहा, ममता इस्तीफा दें, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश जैसे हालात, हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार। जी हां, विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की हालत बांग्लादेश जैसी हो गई है और यहां हिंदुओं का उत्पीड़न बढ़ रहा है। साध्वी प्राची ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को चुल्लू भर पानी में डूब कर समझ गए होंगे आप, तो क्या ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? कमेंट जरूर करें।
यूपी में डॉक्टर बनने के लिए धर्म परिवर्तन सर्टिफिकेट की होगी जांच, एमबीबीएस के अभ्यर्थियों पर कार्रवाई तय। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में डॉक्टर बनने के लिए लगाए गए प्रमाण पत्रों में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। अभ्यर्थियों ने एमबीबीएस के दाखिले के लिए बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कानून का उल्लंघन किया। मामला खुलने के बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और चिकित्सा विभाग ने प्रदेश के सभी ऑफिसों को सतर्क कर दिया, साथ ही अभ्यर्थियों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय ने अपने कर्मचारियों से उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्रों की जांच करने के लिए कहा है। यूपी में दो दिन आगरा में रहेगा रूट डायवर्जन। गणपति बप्पा विसर्जन के लिए 16 और 17 सितंबर को नहीं मिलेगा वाहनों का प्रवेश। जी हां, आगरा में गणपति जी के विसर्जन के लिए ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन किया है। प्रतिमाओं का विसर्जन हाथी घाट, बलकेश्वर घाट और कैलाश घाट पर किया जाता है। 16 और 17 सितंबर को यमुना किनारा रोड के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। यमुना किनारा रोड पर आने वाले वाहनों के लिए डायवर्जन के साथ ही प्रतिबंध भी लगाया गया है। सिर्फ प्रतिमाएं लाने वाले वाहनों को ही बैरियर तक आने की अनुमति होगी। यूपी के मेरठ में हो गई बड़ी घटना, 3 मंजिला मकान ढहा। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के मेरठ में देर शाम बड़ी घटना हो गई, जहां लोहिया नगर थाना क्षेत्र के जाकर कॉलोनी में एक 3 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। घटना के समय मकान में 14 लोग मौजूद थे, जिनमें 11 लोग दबे हैं और 3 लोग ने दौड़कर जान बचाई। इसमें से 4 लोग अब नहीं रहे। जाकर कॉलोनी में मदीना मस्जिद से करीब 100 मीटर की दूरी पर डेयरी संचालक साजिद पुत्र अलाउद्दीन का मकान है। कमेंट में ओम शांति जरूर लिखते हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 6 लेन का आरओबी बनेगा। ग्रेनो दादरी का रास्ता आसान होगा। 194 करोड़ का प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार। दरअसल मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब एमएमटीएच के विकास और दादरी तथा ग्रेटर नोएडा के बीच यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए पल्ला के पास रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज आरओबी को अब 6 लेन का बनाने का निर्णय लिया गया है, जो रेलवे के ऊपर से पुल जाता है। पहले 4 लेन का प्रस्तावित था, लेकिन IITGNL की पहल पर 2 अतिरिक्त लेन की स्वीकृति मिल गई है। यूपी में जूस दुकानदार बोला बोतल में यूरिन था। गाजियाबाद में लोगों ने आधार कार्ड देख जूस की दुकानें बंद कराई। विधायक बोले NSA लगे। दरअसल गाजियाबाद में जूस में यूरिन मिलाकर पिलाने के आरोपी का कहना है कि मार्केट में टॉयलेट नहीं बना, इसीलिए वो यूरिन को बोतल में इकट्ठा कर लेते थे और बाद में फेंक देते थे। हालांकि बाकी दुकानदार और कस्टमर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। हालांकि पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग ने जूस यूरिन के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने इलाके में घूम घूम कर जूस की कई दुकानों को जबरन बंद कराया। दुकानदारों के आधार कार्ड चेक किए गए। जिन दुकानों के पास आधार कार्ड नहीं थे, उन पर मुसलमान होने और जूस में मिलावट करने का शक जताया गया। और आपको बता दें कि दुकान पे जो है हिंदू नाम लिखे गए थे। माफिया मठाधीश में कोई अंतर नहीं वाले बयान को लेकर पूरे प्रदेश में हंगामा मचा है। लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर समेत कई शहरों में अखिलेश के खिलाफ नारेबाजी हुई। भाजपा कार्यकर्ता जगह जगह पर उनका पुतला बनाकर फूंके। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम के पोस्टर पर जूते चप्पल भी फेंके गए। नेपाल के हिंदू संगठनों का हंगामा, धर्म प्रचार करने आए लोगों के मुंह पर काले पोत कर वापस भेजा। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के महाराजगंज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां टूटीबारी कस्बे से नेपाल जा रहे धर्म प्रचारकों को नेपाल के हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने मुंह में काले पोत कर वापस कर दिया। ये लोग नेपाल के महेशपुर स्थित बस स्टैंड से नेपाली नंबर प्लेट की 2 बसों से वहां के खैरहनी गांव में विशेष पूजा के लिए जा रहे थे। नेपाल पुलिस ने सभी के नाम पते नोट कर दोनों बसों को कब्जे में ले लिया। बड़ी घटना हो गई है। ताजमहल के गार्डन में 2 पर्यटकों ने किया पेशाब, अधिकारियों में मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें कि आगरा के ताजमहल में तमाम सुरक्षा के बावजूद आपत्तिजनक गतिविधियां रुक नहीं पा रही हैं। अब पर्यटकों द्वारा एक नई शर्मनाक हरकत की गई। दरअसल 2 टूरिस्ट वॉशरूम होने के बावजूद ताजमहल के गार्डन में खुलेआम पेशाब किया। किसी ने उनकी इस हरकत को कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पे डाल दिया। वायरल वीडियो होने के बाद ताज प्रशासन में हड़कंप मच गया है। यूपी के मेरठ लखनऊ वंदे भारत को वाराणसी तक चलाने की तैयारी। महंगा टिकट होने से करीब 65% सीट खाली, यात्रियों का लोड बढ़ाने के लिए नया प्रयोग। जी हां, आपको बताने की मेरठ से लखनऊ के बीच चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी तक चलाई जाएगी। रेलवे ने इसकी तैयारी की है। यात्री न मिलने से रेलवे इस ट्रेन के विस्तार की तैयारी में जुट गया है। विस्तार होने से वाराणसी जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी, साथ ही रेलवे की आय में भी इजाफा होगा। बरेली सिद्धारगंज हाईवे 80 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचा भूमि अधिग्रहण घोटाला, विस्तृत जांच में खुलेंगे और परतें। जी हां, बरेली पीलीभीत सिद्धारगंज हाईवे और बरेली रिंग रोड भू अधिग्रहण घोटाले की रकम शुरुआती जांचों में ही 80 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। यह स्थिति तब है जबकि अभी सिर्फ 50 लाख रुपए से अधिक मुआवजा पाने वालों की जाँच की गई है। जानकारों का मानना है कि विस्तृत जांच होने पर यह घोटाला 200 करोड़ रुपए से अधिक का निकल सकता है। दरअसल आपको बता दें कि जब इन लोगों को पता चला कि यहां पे भूमि अधिग्रहण होने वाला है और सरकार कई
कई गुना ज्यादा मुआवजा देगी। तो घोटालेबाजों ने पहले किसानों से सस्ती जमीन खरीद ली, फिर सरकार को 4 गुना 8 गुना दाम पे बेच दिया। यूपी में भारी बारिश से प्रदेश में फिर बड़ी घटनाएं, 18 जिले बाढ़ से प्रभावित। मौसम विभाग ने आज इन जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। दरअसल यूपी में भारी बारिश तबाही लेकर आई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में फिर कई जगहों पर घटनाएं देखने को मिली है। इनमें से कासगंज में 3, कन्नौज, हाथरस, बाराबंकी और इटावा में 1-1 बड़ी घटना हो गई। प्रदेश के 18 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की तैनाती की गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में बारिश के आसार जताए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि बहुत तेज अब बारिश नहीं होगी, हल्की से मध्यम ही रहेगी, लेकिन अगले 24 घंटे के दौरान महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र के इलाकों में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं यूपी के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना है। प्लीज हमारे मेहनत के लिए एक लाइक और शेयर जरूर कर दें। रोज की ताजा खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं।